दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, जहां मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को होने जा रहा है। 15 दिसंबर तक आचार संहिता लगने के संकेत नजर आ रहे हैं। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के चुनाव 15 दिसंबर तक आचार संहिता लगने के साथ ही शुरू हो सकती है, क्योंकि 11 दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होना है। इसी के बाद चुनाव आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत राज्य सरकार को मिली है। अब राज्य सरकार की ओर से तय समय यानी कि 5 जनवरी तक नगरीय निकायों के चुनाव कराने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 6 जनवरी से निगमों और नगर पालिकाओं में एक नया कार्यकाल शुरू होना रहता है। रायपुर की दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में भी तगड़ी बढ़त मिली है, जिससे सकारात्मक नजरिए के माध्यम से देखा जा रहा है। हालांकि वार्डों का चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होता आया है, फिर भी सब तरह से अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और अब इसीलिए नगरीय निकायों के चुनाव को ज्यादा दिनों तक टालने के आसार नजर नहीं आते। राज्य निर्माण के बाद से अब तक यही सिस्टम लग रहा है। वहीं रायपुर समेत प्रदेश भर में नगर निगमों का कार्यकाल खत्म होने के पहले ही चुनाव होता आया है। ऐसे में 5 जनवरी को जो है मेयर इन काउंसिल का कार्यकाल खत्म होगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार है जब गाड़ियों में 3 नंबर प्लेट लगने वाले हैं। 40 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अपडेट किया जाएगा, जहां फास्टैग लगाने की जरूरत अब नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ के 40 लाख से ज़्यादा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगने जा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारी इसको लगवाएंगे, जहां परिवहन मुख्यालय के अफसरों ने इस संबंध में बैठक करने के बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। HSRP लगने के बाद इन वाहनों में 3 नंबर प्लेटें होंगी और इसके बाद फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी वाहन हैं उन सभी में 120 दिन के अंदर ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का टारगेट रखा गया है। HSRP लगाने के लिए परिवहन विभाग ने मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोजमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया हुआ है। निर्देश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन के अंतर्गत कार्यवाही भी यहां पर होने जा रही है। वाहन मालिकों की सुविधाओं के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट में होगी। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियां बैकफुट पर आती नजर आ रही हैं, जहां बढ़े हुए दाम को वापस ले लिया गया है। चिल्लर में कीमत 300 के नीचे अब जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में भाव खा रही सीमेंट कंपनियां आखिरकार अपने बैकफुट पर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने बढ़े हुए दाम अपने वापस ले लिए हैं। छत्तीसगढ़ की सीमेंट कंपनियों ने बीते सप्ताह 10 से 15 रुपये तक दाम बढ़ा दिए थे, जबकि प्रदेश सरकार ने कंपनियों से कहा है कि अब दाम बढ़ाने से पहले कारण बताते हुए मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके बावजूद कंपनियों ने मनमर्जी बढ़ाते हुए अपने दाम बढ़ाए हुए थे। अंततः कंपनियों ने जहां बढ़े दाम वापस लिए, तो वहीं सितंबर में बढ़ाए गए 50 रुपये के दाम में पहले से 45 रुपये ही दाम कम किए थे। उसके बचे हुए 5 रुपये को भी अब कम कर दिया गया है। प्रदेश में सीमेंट की कीमत थोक में 250 से लेकर 280 रुपये, तो वहीं चिल्लर में ये कीमत 260 से लेकर 290 रुपये के बीच चल रही है। नॉन ट्रेड में 5 से लेकर 10 रुपए दाम कम किए गए हैं। इसके दाम अब भी 10 से 15 रुपए ज्यादा हैं। सीमेंट कंपनियों के दाम बढ़ाने पर प्रदेश सरकार का अंकुश नहीं है। यही वजह है कि कंपनियों की मर्जी होती है तब दाम बढ़ा दिया जाता है। इस बार सितंबर में कंपनियों ने खुले बाजार के साथ ही नॉन ट्रेड सीमेंट के दाम में 50-50 रुपए की वृद्धि की थी, जिसके बाद जहां लगातार खबरों का प्रकाशन हुआ, तो वहीं चौतरफा राजनीतिक दबाव के बाद अब अंततः प्रदेश सरकार ने कंपनियों के साथ बैठक की है, जिसमें उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के साथ ये बैठक में तय हुआ कि कंपनियां बढ़े हुए दाम को वापस लेंगी। छत्तीसगढ़ में लगे हुए आरक्षक भर्ती पर स्टे को लेकर गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि जल्दी हाईकोर्ट से निर्देश लेकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चली आ रही आरक्षक भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। शर्मा ने कहा है कि 7.5 लाख एग्जाम दे रहे हैं, एक मसले के कारण स्टे लगा हुआ है। हाईकोर्ट से आग्रह करने को कहा गया है कि उन्हें भी अनुमति दे दी जाए, साथ ही परीक्षा प्रक्रिया आगे
चढ़ाई जाए। आगे कहा गया कि जल्द ही इस विषय पर हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता वेदराम टंडन की याचिका के सुनवाई के बाद लगाई गई है। वहीं अगर बात करें तो फिजिकल छूट पर आपत्ति जताने को लेकर ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दूसरे स्कूल में कॉपियां जांची जाएंगी, जहां रिजल्ट के बाद 2 माह के भीतर ही सप्लीमेंट्री का एग्जाम होने जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला हुआ, जिस पर अब आगे की रणनीति क्या होगी इस पर कोई भी डिस्क्लोजर नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा चालू शिक्षण सत्र 2024-25 से ही शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर बीते दिन एक बैठक मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला किया गया। परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 माह के भीतर ही परीक्षा यानी पूरक परीक्षा आयोजित करी जाएगी। दरअसल लगातार जनरल प्रमोशन से शिक्षा का स्तर गिरने की बात सामने आ रही थी और बीते कई दिनों से एक बार फिर बोर्ड परीक्षा शुरू करने की चर्चाएं भी थी। ऐसे में 5वीं और 8वीं के छात्रों की आंसर शीट का मूल्यांकन उसी स्कूल की बजाय दूसरे स्कूल में कराया जाएगा। हालांकि परीक्षा में फेल या पास को लेकर अभी स्पष्ट निर्देश का इंतजार होना बाकी है। बोर्ड परीक्षा में फेल पास पर शिक्षा विभाग निर्णय लेकर जल्द ही परीक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। इस फैसले के बाद से ही विभाग तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा संभवतः अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी, साथ ही 4वीं और 7वीं के बच्चों की भी वार्षिक परीक्षा यहां पर ली जानी है। रायपुर में कचरा जलाने वाले लोगों पर कार्यवाही होगी, पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर भी एक्शन होगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेट की बैठक में यहां पर निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए बीते दिन को मॉनिटरिंग सेल की बैठक हुई, जहां इसमें शहर में एयर क्वालिटी को सुधारने अलग अलग विभाग के अधिकारियों को आवश्यक गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। रायपुर में अब खुले में कचरा जलाने वालों पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कार्यवाही करेंगे। एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सड़कों के सुधार के कार्य करने, RTO के अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही 15 साल पुरानी हो चुकी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा बैठक में पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार अवेयरनेस चलाने और कार्यवाही करने का निर्देश भी जारी किया गया। सरगुजा में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर मनेंद्रगढ़ और बलरामपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया, जहां 2 शिफ्टों में पहली से लेकर 12वीं तक के क्लासेस, जबकि कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर को लेकर आ रही ड्राई एयर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ते ठंड के बीच बलरामपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। दोनों जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की क्लासेस अब 2 शिफ्ट में लगेंगे। जहां बात करें तो मनेंद्रगढ़ कलेक्टर डॉक्टर डी राहुल वेंकट के निर्देश पर 27 नवंबर 2024 से जिले के सभी स्कूल 2 पालियों में संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा बलरामपुर जिले में भी स्कूलों के संचालन के समय को बदला गया है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली सोमवार से शनिवार तक दोपहर 12:45 से लेकर शाम 4:15 तक होने जा रही है। इसके अलावा बलरामपुर पूरे इलाके का सबसे ठंडा रहा, जहां 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों की बात करें तो दुर्ग संभाग में भी रात का पारा सामान्य से तकरीबन 6 डिग्री कम है। वहीं मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान स्थिर रहेगा। अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और उसके बाद तकरीबन 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कांग्रेस की बैठक के बाद जमकर हंगामा हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में 2 नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो जमकर वायरल है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित किए गए बैठक के बाद उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कांग्रेस के बिलासपुर लोकसभा प्रभारी सुबोध हरितवाल और वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर राजेश पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। घटना के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद नजर आए। इसके अलावा जानकारी के अनुसार बिलासपुर कांग्रेस भवन में नगरीय निकाय
और पंचायत चुनाव के संबंध में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए थे। और इस बैठक में पूर्व मेयर राजेश पांडे को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद राजेश पांडे और सुबोध हरितवाल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं बैठक में उपस्थित कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने हस्तक्षेप करके दोनों नेताओं के बीच सुलह कराई। विवाद शांत होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के लिए रवाना हो गए। छत्तीसगढ़ के अब जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़े मसले जो है उठते नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दो दिनों के अंतर्गत 4 मौतों का मामला सामने आ रहा है। कोरबा में नवजात ने अपना दम तोड़ा तो वहीं महतारी एक्सप्रेस प्रभारी ने कहा कि गाड़ी में ऑक्सीजन और EMT की सुविधा कभी नहीं है। दरअसल कोरबा में महतारी एक्सप्रेस 102 में एक नवजात की मौत हो गई। इमरजेंसी केस के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी में ही महिला का डिलीवरी करा दिया, लेकिन नवजात को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। इस हालात से निपटने के लिए एम्बुलेंस में ना तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन था और ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध था। पिछले दो दिनों में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की नहीं होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में 102 महतारी के जिला प्रभारी रवि सिंह का कहना है कि शासन ने गाड़ी में ऑक्सीजन और EMT की सुविधा नहीं दी है। बता दें कि एक दिन पहले कोरबा में ही एक महिला और उसके 2 जुड़वा नवजात बच्चों ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण अपना जान जो है गंवा दिया था। इसके अलावा अजगर बहार क्षेत्र के कदम झरिया गांव की रहने वाली विशेष संरक्षित पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिला जो है बीते दिन इसका शिकार हुई है। सरगुजा में दिसंबर से शुरू हो सकती है नियमित हवाई सेवाओं की सुविधा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरगुजा से रायपुर और दिल्ली के लिए सर्विस शुरू होने जा रहा है। अंबिकापुर से हवाई सेवा सुविधा की शुरुआत दिसंबर माह से हो सकती है। बता दें कि एक माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर के एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ किया था, लेकिन हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान जारी किया है। 15 दिसंबर 2024 से रायपुर और दिल्ली के लिए हवाई सेवाओं का जो है शुरुआत हो सकता है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तरीमा में मां महामाया एयरपोर्ट को लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व DGCA ने लाइसेंस जारी किया था। लंबे इंतजार के बाद 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया था और अब इस एयरपोर्ट में 72 सीटर विमानों का संचालन किया जा सकेगा। इसी के साथ ही उड़ान 4.2 योजना के अंतर्गत अंबिकापुर से रायपुर रूट का फ्लाईबिग को अवार्ड किया गया है। वहीं फ्लाईबिग द्वारा 19 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। एलायंस एयर ने भी अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू करने में रुचि दिखाई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है कि कहा EVM से चुनाव होगा तो कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में हो रहे EVM मशीनों से चुनाव और बस्तर के साथ ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री व कोंटा के विधायक कवासी लखमा ने बयान जारी किया। लगातार कवासी लखमा अपने उजुल बुजुल बयानों की वजह से चर्चाओं पर बने रहते हैं। वहीं प्रेस वार्ता में लखमा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में EVM मशीन से अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस को किसी का डर नहीं, भाजपा के नेता से डरने वाले नहीं है। विधायक लखमा ने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में EVM मशीन के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बनाई है। विश्व के बड़े बड़े देशों अमेरिका जैसे देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है। वहीं पहले के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में भी इतने वोटों का अंतर नहीं रहा, जिस प्रकार से आज के चुनावों के वोटों में अंतर देखने को मिल रहा है। रायपुर में 79 अपराधों के आरोपियों ने अपनी माफ़ी मांगी और इसका वीडियो भी यहां पर रायपुर पुलिस ने अपने पेज पर वायरल किया। कहा गांजा और दारू बेचना पाप है, कानून हमारा बाप है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस शहर में बढ़ते अपराध कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो है वीडियो वायरल कर रही है। पुलिस हर दूसरे दिन गुंडे बदमाशों को पकड़कर उनका परेड करवाती दिखाई दे रही है। इसी तरह अब तक 79 मामलों के आरोपी को बात करें रवि साहू को पुलिस ने मंगलवार को कर उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्यवाही की है। इस पर किडनैपिंग, मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को जिला बदर भी किया था। आरोपी रवि साहू कोतवाली थाना इलाके के निगरानी शुदा बदमाश के तौर पर दिखाई है। वहीं बात करें तो पुलिस ने आरोपी के घर से उसको हिरासत में लिया। उसके बाद मोहल्ले से फटे कपड़ों में इसका जुलूस निकाला गया, जिससे आसपास के लोगों में उसका खौफ खत्म हो। वहीं बात करें आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे कान पकड़ कर अब जो है लोगों से माफी मांगता नजर आ रहा है।
दिल्ली में 29 नवंबर को कांग्रेस के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि इस बैठक में ठोस निर्णय की उम्मीद है। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों पर आकलन किया जा सकता है। राज्यों और लोकसभा विधानसभा के चुनावों के परिणाम के बाद मंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 29 नवंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में होने वाले छत्तीसगढ़ में होने वाले जो वार्ड चुनाव हैं उनको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव के तौर पर इस बैठक के बाद पार्टी में बड़े बदलाव के बाद जिन राज्यों में परिणाम विपरीत रहे हैं उनके लिए रणनीति तय करी जानी है। बात करें दिल्ली दौरे पर जाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो इन्होंने बैठक को लेकर कहा कि आगामी 29 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोई ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं। संविधान दिवस के अवसर पर खड़गे के वक्तव्य से लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र हरियाणा समेत अन्य राज्यों में हमारे मुताबिक निर्णय नहीं आया है, लेकिन हम इसका आकलन जरूर करेंगे। भूपेश बघेल ने EVM पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के घर पे 6 वोट हैं लेकिन उसको 1 वोट भी नहीं मिलता, ये कैसे संभव है? महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ से हम जीते थे आज वहां भी 1 वोट नहीं मिल रहा है, ये कैसे संभव है? छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी डिरेल होने को लेकर अब ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे पटरी पर वापस आ रहा है। डाउनलाइन दुरुस्त करने और अपलाइन पर काम चल रहा है। MP UP के यात्री हालाकान परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के खोंगसरा भनवारटंग स्टेशन के बीच मंगलवार को कोयले से लदी मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन समेत तकरीबन 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। रेलवे ने बुधवार शाम 4 बजे यातायात बहाल कर दिया। वहीं दोनों ओर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि डाउन लाइन में सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका है। डाउन लाइन से लेकर अप और डाउन दोनों दिशाओं के रेल यातायात को संचालित किया जा रहा है। अप लाइन में रजिस्ट्रेशन और सुधार कार्य जारी है और जल्दी इसको ठीक कर लिया जाएगा। वहीं ट्रेन कैंसिल होने की जानकारी देने के बाद रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर के यात्रियों के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का इंतजाम नहीं किया था।